आस्था और प्रेम से सराबोर भक्त इन दिनों विशेष रूप से बाबा वैद्यनाथ धाम पहुंच रहे हैं। गेरुआ और सफेद वस्त्र धारण कर कांवर में जल लिए लाखों शिव भक्त नंगे पांव सड़कों पर बोलबम के जयकारे लगाते दिख जाएंगे। ऐसे ही कुछ शिव भक्तों से बात की हमारे संवाददाता अमरनाथ ने। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये डाक पावरी आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? मुंगेर जिला से। कितने साल से आ रहे हैं आप लोग? लमसम 8-10 साल से। 8-10 साल से हर सोमवारी को आते हैं आगे फिर? ना, फर्स्ट डे सोमवारी आते हैं। अच्छा, फर्स्ट डे सोमवारी आते हैं। हाँ। साल में फर्स्ट डे सोमवारी। अच्छा, 13-14 घंटा में आते हैं हर साल। 13-14 घंटा। हाँ। आपका नाम क्या हुआ? बलवीर कुमार यादव। आप भी? पूरा एक ग्रुप है? बिल्कुल, ग्रुप है सर। 17 ग्रुप है। 17 लोग हैं जी। और सब लोग पीछे हैं। समय से पहुंच जाते हैं आप लोग? हाँ, समय से पहुंच जाते हैं सब। पंचर पंप भी हुए? नहीं, पंचर नहीं हुए, सब पहुंचते 2-4 मिनट 10 मिनट पीछे। कितने लोग अभी साथ में आप लोग? अभी 5 वो भी आ जाएगा। आ जाएगा। बाबा से क्या मन्नत मांग रहे हैं आप लोग? बाबा से यही मन्नत मांगते हैं कि हमको सुरक्षित रखे, हम देश सुरक्षित रखे। ये सुरक्षित रखे। और बोल बम का एक बार जयकारा आप लोग लगाइए। आप देख रहे हैं किस प्रकार जोश है, जुनून है। कांवरिये एकदम लगातार बाब वैद्यनाथ के दरबार पर पहुंच रहे हैं और डाक बम जो होते हैं वे लगातार जब जल उठाते हैं तो वो कभी रास्ते में रुकते नहीं हैं। वे सीधा बाबा वैद्यनाथ के दर पर जब पहुंचेंगे तभी रुकेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि कांवरिये जो डाक बम आ रहे हैं ये कहीं रुकेंगे नहीं और सीधा से बाबा वैद्यनाथ पर जल चढ़ाने के बाद ही इनका यात्रा का विश्राम होता है। देवघर से कैमरा पर्सन अभय के साथ अमरनाथ पाठक। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।